गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 6 का सेकंड पार्ट में रीडिंग की थी एंड टुडे वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट। लेट स्टार्ट। मिस्टर टाउन माउस एश्योर्ड मिस्टर कंट्री माउस दैट देयर वुड बी प्लेंटी लेफ्ट। एश्योर मीन्स विश्वास दिलाना। टाउन माउस ने कंट्री माउस को विश्वास दिलाया कि अभी भी उनके लिए भोजन है। मिस्टर कंट्री माउस वाज थिंकिंग। कंट्री माउस सोच रहा था दैट कि ही वुड रेदर बी अ मास्टर इन हिज हाउस देन ए टो अवे इन समबडी एल्स। मिस्टर कंट्री माउस सोच रहा था कि वह अपने घर में किसी से छिपने या डरने की बजाय वह अपने घर में अपना क्या था, स्वयं मालिक था, मास्टर था अपने घर में, स्वयं अपने घर का मालिक था। अब वो कंट्री माउस के यहाँ आया था, अब कंट्री माउस टाउन माउस के यहाँ आया था तो वह क्या हुआ, उसने जो टाउन माउस था वह क्या हुआ, भाग गया, अपने बिल में छिप गया। द पार्टी फिनिश एंड पीपल वेंट अवे। पार्टी ख़त्म हो जाती है और लोग चले जाते हैं। Then the two mouse ran out and ran up the table and started to nibble. Nibble means कुतरना, the remains of delicious feast. अब जब पार्टी फिनिश हो जाती है तो लोग चले जाते हैं तो जो दोनों चूहे होते हैं वो फिर से भागते हुए टेबल पर आ जाते हैं और जो बचा हुआ खाना होता है उसको कुतरना शुरू कर देते हैं। द डोर ओपनड अगेन। दरवाज़ा फिर से ओपन होता है, दरवाज़ा फिर से खुलता है। एंड अ मैन केम इन विद टू डॉग्स। अब क्या होता है, दरवाज़ा फिर से ओपन हो जाता है और एक आदमी आता है और उसके साथ टू डॉग्स, दो कुत्ते होते हैं। द टू माइस रेन टू द होल अगेन। अब दोनों चूहे फिर से बिल में वापस चले जाते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। द डॉग स्क्रैच एट द होल बट इन वेन। डॉग जो कुत्ते होते हैं, स्क्रैच मीन खरोंचना, जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो उनके बिल को खरोंचते हैं, बट लेकिन सब कुछ बेकार होता है। एट लास्ट अंत में दे गिव अप इट अप एंड सर्वेंट क्लियर द टेबल एंड टुक द डॉग्स अवे। अंत में क्या होता है, जो कुत्ते होते हैं वो हार मान जाते हैं, मतलब मीन्स वो छोड़ देते हैं बिल को खरोंचना, जो है हार मान जाते हैं, और जो नौकर होता है वो टेबल को साफ कर देता है और उनको वहाँ से ले जाता है। डॉग मीन्स कुत्ते, कुत्तों को वहाँ से ले जाता है। दूस टेरिबल क्रिएचर हैव गोन। वे भयानक जीव चले गए हैं। एंड आई एम गोइंग टू मिस्टर कंट्री माउस। कंट्री माउस कहता है, भयानक जीव वो उन कुत्तों के लिए कहता है कि वे भयानक जीव चले गए हैं और मैं भी जा रहा हूँ। फाइन फूड इज़ वेरी वेल डियर कज़न बट वन स्टिल गोज हंगरी इफ़ वन इज़ नॉट अलाउड टू इट। अच्छा भोजन होता है, जो स्वादिष्ट खाना होता है वह सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई उसे खाने की अनुमति नहीं देता है तो फिर भी हमें भूख लगती है। मीन्स उसका कहने का मतलब था, डियर स्टूडेंट्स, उसका कहने का मतलब था कि अगर अच्छा भोजन है हम उसे केवल खा नहीं सकते, अगर हम उसे देख लेते हैं तो केवल उससे ही पेट थोड़ी भर जाता है। अब जो दोनों चूहे थे उनके पास अच्छा भोजन था लेकिन वो तब भी नहीं खा पाए थे तो उनकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी, अभी भी भूखे रह गए थे वो। तो यही कहना चाहता था कि अच्छा भोजन तो सभी को अच्छा लगता है लेकिन अगर उसे कोई खाने की अनुमति नहीं देता है और खाने की आज्ञा नहीं देता है तो उससे भूख नहीं मिट सकती। गिव मी माई बार्ले कॉर्न एंड सेफ रेदर देन एग्स एंड मीट एंड कंटिन्यूस रन फॉर लाइफ। मेरे अंडे और मीट मीन जो उसका मांस था, अंडे और मांस की बजाय मेरी बार्लीकॉर्न मीन्स जौ और मक्का, उसकी जो वो खाता था कंट्री माउस अपने घर पे जो खाता था जौ और जो मक्का खाता था, वो कहता है कि वो ही अच्छी है मेरे लिए, तो मैं उनमें क्या हूँ, सुरक्षित हूँ, उन्हें खाकर मैं सुरक्षित हूँ। यहाँ वो आया था, इतना सारा खाना था लेकिन वो फिर भी क्या था, वहाँ पर सुरक्षित नहीं था। तो यही कहता है कि मेरे जो घर पर खाना है, जो मेरे अंडे हैं, जिन अंडे और मांस के बजाय, तो मेरा जो
मक्के और जौ का जो खाना है वही मेरे लिए अच्छा है, लगातार भागने से अच्छा है वो मेरे लिए। एंड कंटिन्यूस रन फॉर लाइफ, और लगातार भागने से। गुड बाय माई कज़न, आई एम ऑफ, अलविदा मेरे भाई, मैं जा रहा हूँ। द कंट्री माउस स्टार्टेड टू रीच होम टू प्रीच अ लेसन ऑफ सेटिस्फेक्शन टू हिज वाइफ एंड फैमिली। कंट्री माउस अपनी पत्नी और अपने परिवार को सेटिस्फेक्शन मीन्स संतुष्टि का सबक देने के लिए घर पहुंचना शुरू कर देता है। मीन्स वो अपने घर जाकर अपनी फैमिली को बताना चाहता है कि हमें जो हमारे पास है हमको उसमें ही खुश रहना चाहिए, संतुष्टि के बारे में बताना चाहता है। डियर स्टूडेंट्स, आवर लेसन इज़ कम्प्लीट एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और हमें इससे क्या मॉरल मिलती है, हमें इस लेसन को पढ़ के क्या शिक्षा मिली? हमें इससे यही शिक्षा मिली कि जितना हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।